2022 के अंदर जो ट्रेंड आया ना कि बेस मॉडल खरीद के अलॉय व्हील लगाने का, मैंने भी लगवा रखे हैं यार, क्योंकि मैं भी उसी के अंदर आता हूँ 2022 वाले ट्रेंड के अंदर। फिर से एक चीज बोलूंगा यार, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए। हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार आपने तो 1,00,000 की एक्सेसरीज अपनी कार में लगा दी, क्यों वेस्ट करा पैसा। पहली चीज़ तो यार मेरे को पसंद था कि अपनी कार को मैं जितना ज़्यादा सजा सकूं उतना मैं सजा पाऊं, तो मैंने जितनी एक्सेसरीज लगा सकता था मैंने लगा दी है। अब मस्ट नीडेड एक्सेसरीज कौन सी होती है कि यार मिनिमम एक्सेसरीज आपकी कार में होनी ही चाहिए फॉर सेफ्टी रीज़न, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है वो। मतलब कि आप उसे चाहे एक्सेसरीज बोलो या फिर आप आपकी बॉडी की सिक्योरिटी बोलो, कार की बॉडी की सिक्योरिटी बोलो, उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी की फ्रंट में। उससे पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले एक्सेसरीज कौन सी होनी चाहिए जो आपकी कार की सेफ्टी में बहुत ही ज्यादा काम आती है, वो है आपका फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर। बम्पर एक्सटेंडर होता क्या, देखो ये जो सिल्वर प्लेट आ रही है ना, ये यहां से लेके पूरी ये, अब ये लुक्स को भी एनहेंस करती है और आपकी जो गाड़ी का बम्पर है उसको भी प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है यार, जब आप क्या कहते हैं दिल्ली जैसे सिटी में या फिर क्राउडेड सिटी में बहुत ज्यादा जब कार चलाते हैं तो गाड़ी आपकी बार बार बम्पर टू बम्पर चलती है, तो यार बम्पर टू बम्पर चलने से होता है क्या कि आपके बम्पर पे ना स्क्रैचेज आ जाते हैं, डेंट आ जाते हैं। अभी जो बम्पर एक्सटेंडर है इसका काम यही है कि आपके बम्पर को बचाएगा, स्क्रैच लगेगा इसमें डेंट आएगा तो यार इजिली इसको उतारा और नया बम्पर अपने लगा दिया, यहाँ पे बम्पर एक्सटेंडर लगा दिया इसमें। प्राइस कितना होता है इसका, तो यार 1190, ओनली 1190, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं आता है। यहीं पे अगर आपका बम्पर में कोई दिक्कत हो जाए तो आपको इंश्योरेंस जाना पड़ेगा, 2-3 दिन का वेट करो, यार 1100-1100 रुपये की चीज़ है, लगा दो बिंदास गाड़ी चलाओ तो आपका जो फ्रंट बम्पर है ना वो बच जाता है। तो मेरी तरफ से पहली मस्ट नीडेड एक्सेसरीज होती है फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर। तो सेकंड नंबर की अगर एक्सेसरीज की बात करी जाए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी कार के अंदर, वो है आपका रेन वाइजर। रेन वाइजर इस तरह का दिखता है जो आपके डोर के ऊपर लगता है, सबको पता ही होगा। अब ये जरूरी क्यों होता है यार, ऑब्वियस ही बात है, जब अपनी गाड़ी आप बारिश में चला रहे हैं तो यार बारिश की जो बूंदे होती है वो अंदर नहीं आती हैं, तो यार ये बहुत ही ज्यादा जरूरी एक्सेसरीज होती है, इसको लगवाना ही चाहिए आपको। अब ये जो मेरा रेन वाइजर है ये नॉर्मल वाला है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और फैंसी में जाता तो इसके ऊपर मुझे क्रोम भी मिल जाता। तो नॉर्मल वाले के प्राइस की बात करी जाए तो 1500 रुपये मुझे कंपनी से पड़ा ये। तो सेकंड एक्सेसरीज है हमारी रेन वाइजर। यहीं पे अगर बात करी जाए आपके थर्ड एक्सेसरीज की जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, वो आपका डोर गार्ड। जब भी आप अपने डोर को खोलते हैं, देखो मैं एक बार दिखाता हूँ, जब भी आप अपने डोर को खोलते हैं और सपोज करो यहाँ पे कोई वॉल है, अब आपको पता नहीं आप अंदर से गेट खोलें तो आपका ये वाला पार्ट हमेशा टच होगा, मतलब कि ये जो डोर गार्ड है ये टच होगा, तो आपके डोर पे स्क्रैच लगने से ये बचा लेगा। तो यार ये बहुत छोटी सी चीज होती है बट आपके डोर के स्क्रैचेस को दूर रखेगी, बहुत ही सस्ती चीज है, 300-350 एस पर आपको जैसा भी मिल जाए ये होता है, मतलब 300-350 का आता है और बहुत ही सस्ता है, लेकिन आपके डोर पे स्क्रैच लगने से बचा लेता है। तो चलो चलते हैं कार के अंदर और बताता हूँ कि फोर्थ एक्सेसरीज कौन सी बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपकी कार के लिए। गेट को ओपन करते हैं और गेट को ओपन करते ही सबसे पहले जो आपको दिखता है वो होता है आपका फ्लोर मैट। अगर ध्यान से देखेंगे ये है मेरा फ्लोर मैट, GFI का ब्रांड है। अगर मैं ब्रांड दिखाऊं आपको, ये GFI का ब्रांड है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो मुझे ये 2880 का पड़ा है और ये बाय द वे कंपनी से नहीं लिया मैंने, ये मैं जाके आफ्टर मार्केट लगवाया क्योंकि कंपनी वाले इतने अच्छे फिटिंग के नहीं आ रहे थे तो मेरे को आफ्टर मार्केट देना पड़ा। वैसे GFI भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है और जेन्युइन प्रोडक्ट्स बनाता है। यहीं पे अगर बात करी जाए तो मुझे फर्स्ट सेकंड टू पीसेज मिले हैं और थर्ड पीस यहाँ पे जो कंबाइन है पूरा वो मेरा यहाँ पे ये वाला है। अगर बैक सीट की तरफ आएंगे तो पूरा कंबाइन है। तो ये जो मुझे तीनों पीसेज हैं ये मुझे पड़े हैं 2880 के GFI के फ्लोर मैट। तो ये जो फिफ्थ नंबर की एक्सेसरीज आती है जो बहुत ज्यादा नीडेड है आपकी कार में, वो है आपका स्टीयरिंग रैप। अब ये स्टीयरिंग रैप इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप ड्राइविंग करते हैं और लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं तो आपके हाथों में थोड़ा सा स्वेटिंग आ जाता है। अगर आपका स्टीयरिंग रैप नहीं लगा हुआ है तो उसमें स्लिपरी होने के चांसेस रहते हैं, आप जब ड्राइविंग करते हो तो आपका हाथ ऐसे स्लिप हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने स्टीयरिंग रैप लगाया है ये स्वेट प्रूफ है, इस पर मेरा हाथ बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है। बात करी जाए इसके फिट एंड फिनिश की तो यार आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा फिट एंड फिनिश है इसका। 3.5 मंथ मुझे हो चुके हैं इसे लगाए हुए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। क्या कहते हैं, करोल बाग से मैंने ये लगवाया है। और बात करी जाए इसकी प्राइसिंग की तो 1200 रुपए का मुझे इसकी प्राइसिंग पड़ी थी जो मुझे स्टीयरिंग रैप था करोल बाग से लगवाया था। तो यार ये भी बहुत ज्यादा नीडेड एक्सेसरीज हो जाती है आपकी कार के अंदर।
अगर बात करी जाए यहाँ पे आर्म रेस्ट की, तो यार ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 नंबर की आपकी एक्सेसरीज आती है। देखो इसके फायदे क्या है, पहली चीज आप गियर लगाते हैं तो आप अपने आर्म को यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं और इस तरह से आप अपने आपके गियर को चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, वरना यार आपका हाथ थक जाएगा अगर आप ऐसे हाथ लग के गियर लगाएंगे, यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज स्लाइडिंग है, जैसे मैं अपना हाथ आगे भी कर सकता हूँ, इस तरह से पीछे भी कर सकता हूँ, जैसे अकॉर्डिंग टू योर मतलब कन्वीनियंट, जैसे आपको ठीक लगता है। एक और चीज, इसके अंदर स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको मिलता है, अच्छा खासा स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है, यहाँ पे पर्स वगैरह रख सकते हैं, फोन भी रख सकते हैं, बट पर्स में ज्यादा अच्छा रखता हूँ यहाँ पे रखना, क्योंकि पता नहीं चलता आपकी गाड़ी में आपका पर्स भी रखा हुआ है। बात करी जाए इसकी प्राइसिंग की, तो यार 4400 का मुझे पड़ा था, करोड़ बाग से मैंने ये लगवाया था, GFI का। ये भी बहुत ज्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट्स है और बहुत ज्यादा रिलायबल है, अगर आप फिट एंड फिनिशिंग देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कंपनी से लगवाया है, बट ये कंपनी का नहीं है, मैंने करोड़ बाग से लगवाया है। तो आते अपने बैक साइड पे कार की, और जो 7 नंबर की एक्सेसरीज होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे आपके फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर की जरूरत होती है, इसी तरह से आपके रियर बम्पर एक्सटेंडर की भी जरूरत होती है। क्या होता है रियर बम्पर एक्सटेंडर, ये जो सिल्वर प्लेट जारी है, आप कहीं से भी कोई भी आपकी गाड़ी को टच करता है पीछे की तरफ से, तो इस पे स्क्रैचेज आते हैं, इस पे डेंट आता है, इजिली इसको आप रिपेयर करा सकते हैं। 1100 रुपए का प्राइस है इसका, जाइए कंपनी पे, 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है, वो हटाते हैं, 3M की टेप से इसको चिपका देते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको लगवाना चाहिए। यहीं पे बात करिए आपके 8 नंबर की जो एक्सेसरीज आती है, मतलब 8वें नंबर पे, वो है आपका पार्किंग कैमरा। अगर दिखाऊं मैं आप इसको ओपन करके आपको, ये अगर यहां से मैं थोड़ा सा ओपन करता हूं अपने डिग्गी को, और यहां पे देखेंगे ये मैंने अपना पार्किंग कैमरा इंस्टॉल करवा रखा है, ये मैंने कंपनी से ही लगवाया, यार ये इतना ज्यादा जरूरी होता है और इतना ज्यादा ट्रस्ट करता हूं इसके ऊपर मैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट है जैसा ये होना चाहिए, जितना डिस्टेंस दिखाता है उतना डिस्टेंस आपके पास होता है पीछे, तो यार ये पार्किंग कैमरा ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासकर जो नए लोग ड्राइविंग सीखते हैं ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छी एक्सेसरीज का काम करता है। प्राइस करी जाए तो 5000 का इसका प्राइस है, कंपनी से मैंने ये लगवाया था। चलते हैं इसके एक बार डिग्गी के अंदर, और डिग्गी में मैंने क्या क्या चेंज करवाए हैं, वो जो सबसे ज्यादा मस्ट नीडेड चीजें होती है। तो 9th नंबर पे आता है आपका ये पार्सल ट्रे। अगर आप देखेंगे कि पार्सल ट्रे का काम क्या है, देखो अगर पार्सल ट्रे नहीं होती आपकी कार के अंदर तो इस तरह से कुछ लुक आती है आपकी कार की, लेकिन पार्सल ट्रे लगाने से ना आपकी कार की लुक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, आप यहाँ पे सामान भी रख सकते हैं, किसी भी तरह का सामान रख सकते हैं, हाँ बट ज्यादा सामान इस पर आप लोड नहीं दे सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर 20 किलो का कोई बैग रख दो या 15-20 किलो का, तो वो नहीं, हाँ 2-4 किलो आप रख सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, आपकी कार में होना ही चाहिए। बात करिए इसकी प्राइसिंग की, तो 1500 रुपए का मुझे पड़ा था, कंपनी फिटेड है, कंपनी से ही मैंने ये लगवाया था। तो ये थी मेरी तरफ से मस्ट नीडेड एक्सेसरीज आपकी कार के लिए, क्या क्या होना चाहिए आपकी कार की एक्सेसरीज के अंदर। ये सारी चीज यूजफुल है, कुछ भी कॉस्मेटिक नहीं है, ये सारी चीज रियल लाइफ काम करती है। और यार ये 2022 के अंदर जो ट्रेंड आया ना कि बेस मॉडल खरीद के अलॉय व्हील लगाने का, मैंने भी लगवा रखे हैं यार, क्योंकि मैं भी उसी के अंदर आता हूँ 2022 वाले ट्रेंड के अंदर। तो ये मेरा VXI मॉडल है और मैंने भी यहाँ पे अपने क्या कहते हैं ZXI प्लस वाले अलॉय लगवा रखे थे। इसका प्राइसिंग की अगर बात करी जाए, अगर इसकी प्राइसिंग को लेकर बात करूंगा तो 44,000 का मुझे प्राइस पड़ा था, कंपनी से मैंने लगवाए थे। यार ये देखो अब नीडेड तो नहीं है ये कि इसमें ऊपर मैं बोलूँ कि नीडेड है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ लेकिन यार अब हैं हम ट्रेंड के अंदर 2022 के अंदर, तो मैंने भी इसमें अलॉय लगवा लिया। ऑब्वियसली बात है कार की जो लुक है बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है, एक कार का जो रोड प्रेजेंस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये थी मेरी तरफ से एक मस्ट नीडेड एक्सेसरीज आपकी कार के लिए। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। फिर से एक चीज बोलूंगा यार, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए।